नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फ्रैंक ने हमको बताया था कि अगर हम यहाँ पे जो ये दूसरा एंटीना है जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, यहाँ पे आके अगर अपना ट्रांसमीटर फिट कर दें ऊपर, तो इसका एक्सेस हमको मिल जाएगा और उसके बाद जितने भी ब्रॉडकास्ट यहाँ से होंगे सबकी बातें हम सुन सकते हैं। यानी जो भी हो, अपने दुश्मन हो, दोस्त हो, सबकी बातें हम सुन पाएंगे। और इसीलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये ट्रांसमीटर, तो हमको उसके लिए पहुँचना पड़ेगा एकदम से सबसे ऊपर। तो चल भाई एडन, दौड़ जा जल्दी से, चल ऊपर। ओ माई गॉड, देख के। ओके बॉयज, चलो 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 जल्दी से भाई साहब। ओके ठीक है, ओके जंप। आई हैव टू हरी। ओके पकड़ लिया, इससे पहले कि नीचे आए जल्दी से पकड़ के चढ़ जा भाई। थैंक गॉड यहां तक तो आ गए, और यहां पे एक लूट भी है तो मैं लूट लेता हूं फटाफट। ओ यहां पे ज़ॉम्बीज भी भरे पड़े हैं, तो हमको इनको बिना जगाए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं धीरे धीरे बढ़ूं आगे। क्योंकि ये जाग जाएंगे तो कुछ नहीं, बस फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ओके यहां से अगर हम ऊपर जा पाए। ओके यहां पे तो हनी भी है, और मतलब मेडिसिन बनाने की पूरी रेसिपी मौजूद है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते आगे। ओ भाई स्लोली स्लोली, बस ये जग ना जाए। ओके यहां से ऊपर चल सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो एडन चल भाई जल्दी जल्दी, और यहां से किधर जाए, यस दूसरी तरफ। और स्टैमिना का पंगा पड़ेगा तो हमको रुक रुक के बढ़ना पड़ेगा आगे। ओ माय गॉड, इससे पहले कि ये जग जाए हमको जल्दी से निकलना पड़ेगा। ओ भाई एक तो जग गया, तो मैं नहीं चाहता कि सारे जग जाएं, तो मैं कोशिश करूंगा फटाफट निकलूं यहां से। ओके वहां से तो निकल आए। ओके सामने एक पोल निकला हुआ है, उससे जंप करना है। यस थैंक गॉड हम इधर आ गए। लॉक पिक मीडियम। ओके खोल के देखते हैं क्या मिलता है अपने को। थोड़ा सा खुल जा भाई, खुल जा खुल जा, खुल गया। यस ओके गिटार नेक। तो दोस्तों अभी तो बढ़ते आगे, और काफी लंबी जंप है। चढ़ जा भाई एडन फटाफट। तो दोस्तों अभी भी हमको बहुत ही ज्यादा ऊपर जाना है। ओके ये रही, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके स्टेमिना खत्म हो उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। यस पहुंच गए थैंक गॉड। और काफी लंबी छलांगें लगानी पड़ रही हैं। चढ़ जा भाई। और ये एंटीना के लिए लिफ्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा बिल्डिंग और ऊपर से उसमें ज़ॉम्बी भरे हुए। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, धत तेरे की। ओके फ्रेंड्स बढ़ते आगे। ओके चढ़ जा फटाफट। यस यहां तक तो आ गए,
और यहां से और ज्यादा फुर्ती में बढ़ना पड़ेगा। यस, फाइनली पहुंच गए। मुझे लगा कि मैं गया नीचे इस बार। ओके, लॉक पिक हार्ड, ओ माय गॉड, और ये खुल गया। ओके, क्या माल रखा है भाई, वॉकिंग स्टिक, रिस्ट वॉच, कुछ खास नहीं मिला। फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे, और मौसम भी थोड़ा बेईमान हो रखा है। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज है, और हवा तेज होने का दिक्कत यह है कि हम यहाँ पे फंस सकते हैं मुसीबत में। खैर, अभी तो हम रूफ टॉप पे तो आ गए हैं, और अभी हमको चढ़ना है एंटीनर के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, चढ़ते हैं, और उससे पहले जो यहाँ पे लूट मिल रही है फटाफट कलेक्ट करते हैं। ओके, इसके ऊपर जा सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चढ़ पाएंगे, ज्यादा जोश दिखाएंगे तो नीचे भी सरक सकते हैं। ओके, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, और वेट करना पड़ेगा जब तक ये दूसरी तरफ नहीं आ जाता। भाई स्टेमिना खत्म हो रहा, जल्दी कर ले। यस, चढ़ गया, और यहां से ओके, इस पे हुक फंसा के दूसरी तरफ। ओके, यहां तक तो आ गए, और अब ये सीढ़ी हम गिराते हैं नीचे, कि बाई चांस अगर हम स्लिप हो जाएं तो कम से कम नीचे तो ना जाना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे एक रोप और है, तो इसको पकड़ के दूसरी तरफ तो आ गए, और यहां से कैसे बढ़ना है? इसके ऊपर चढ़ेगा? यस यस, फिलहाल तो हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ओके ओके ओके, पकड़ लिया। यस यस, जल्दी चढ़ जा भाई एडेन, इससे पहले कि मामला खराब हो। यस, चढ़ गया भाई, स्टेमिना जस्ट खत्म होने वाला ही था। नाउ व्हाट? ओके, वहां पे ओके, नाउ वी आर हियर, और यहां से ऊपर जा सकते हैं। यस डेफिनेटली, काफी ऊपर आ गए, और यहां पे ये और घूमने वाला पजल टाइप का है, मतलब पूरी पजल है, तो मैं थोड़ा किनारे आ जाऊं। ओके, ये इसके ऊपर हम जा सकते हैं क्या? ओके, फाइनली मैंने पकड़ लिया इसको, चढ़ जा भाई एडेन, एंड नाउ इस पे जंप कर सकते हैं। यस, और इसी के साथ हम आ गए हैं टॉप पे। हाउ, थैंक गॉड। हालांकि ये वीएनसी टावर के इतना बड़ा तो नहीं था, बट पसीना ला दिया इसने, तो इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट, और ये इसी के साथ एक्टिवेट हो गया है, बट हमको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी यहां से मैच होनी है, तो चलो भाई कर देते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक, आई गॉट द एंटीना गोइंग, लेट्स सी व्हाट दीस बास्टर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो अब उनकी बातें सुन सकते हैं हम रेनिगेट्स की। वी नीड टू मीट हिम, दे आर मूविंग एडन, दे सेड दे आर गोइंग टू मीट वॉल्ट्स हेडिंग ईस्ट। There is another antenna on top of a condominium at the intersection of St. Paul Boulevard and Peach Street, just by the entrance of the main canal. Get it working and we can keep up with them. Got it. Okay friends, तो renegades जो हैं वो मिलने जा रहे हैं वॉल्ट से, और कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं वो, तो अब हमको एक एंटीना और है वो जो सामने दिख रहा है वहां पहुंचना है फटाफट, इससे पहले कि renegades पहुंच जाए वॉल्ट तक। Electricity, then central loot rates. Now this. It seems that Williams doesn't want to fight any more than we do. Or he really intends to close the sluice gates and back the chemicals up into the city. But his stronghold will be destroyed as well.
well, so this evacuation wouldn't make sense. We need to expand the range to find out more.